दोस्तों ये 1000 लीटर का सिंटेक है, देखिए ये ऊपर में खुले जगह पे रहने का कारण ये देखिए नीचे ये देखिए कैसे फट गया ये। तो पहले ये छोटा सा फटा हुआ था, अंदर से ये गम उम लगा के ट्राई किया फिर भी नहीं चला, ये पूरा फट गया। ये देखिए सिंटेक का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है और काफ़ी बड़ा होने के कारण ये खुला जगह में धूप में हमेशा रहता है, इसके कारण भी ये फट चुका है, पूरा बुरी तरह से फट गया है। तो इसको अभी चेंज करेंगे, चेंज करके 1000 का तो नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ये फिर फटने का चांस है, तो इसमें 500 का एक लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा पानी है अंदर, देखिए थोड़ा सा पानी जो है इसको छोड़ दे रहा हूँ यहाँ से, इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं लगेंगे, ये जो पुराना जो पाइप वाइप है इससे ही काम चला जाएगा। ये अंदर से ठेजे ठे वो खोल देंगे, नट को खोल देंगे तो चल जाएगा। ये देखिए इसको भी खोल देंगे वहाँ से, देखिए ये 500 का है इसको लगाएंगे अभी। इसमें दो ही होल करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे और एक इस तरफ में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोनों साइड में होल कर दिया हूँ अभी, और भी लेके जाएंगे ऊपर। कहने वो लेंगे फ्री चली ना हो, आप बवाल सुन रहे सिलाई रन से बाहर तरफ में पकड़ के रखा है और ये अंदर तक से इसको खोलने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए ये क्योंकि पानी का अंदर हमेशा रहता है, इसका वजह से भी ये ट्रेड जो है पकड़ लेता है, खोलने में थोड़ा मुश्किल होता है। पछाड़ो लग पूरा
这个冲过去了，你给我冲过去，冲进去了，拖拖你。 ये देखिए दोस्तों, ये उल्टा साइड में आप लूज करेंगे तो ये निकल आएगा। ये देखिए इसको, स्क्रूड्राइवर मन भले बजे ऊपर उसे में ये आउटलेट का कनेक्शन है, और जो अभी मैंने निकला था वो क्लीनिंग साइड का है, जिससे आपका भी टंकी का अंदर कुछ गंदा उंदा रहता है तो उसको क्लीन करके वो साइड में खोल करके पानी को छोड़ सकते हैं। वो साइड जो मैंने अभी खोला था वो ड्रेन साइड का है, और ये आउटलेट साइड का है। इसको थोड़ा मुश्किल होगा खोलने में, क्योंकि इसका कनेक्शन पूरा ये पाइप जो है लंबा जुड़ा हुआ है, इसको खोलने में थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शायद गम जो है कम लगा के रखा है, क्योंकि कभी फ्यूचर में इसको टैंक को बदलना पड़े तो आसानी से निकल जाए। अब इसको उल्टा दिशा में लूज करके काम करेंगे, टैंक को बाहर ही रख लेंगे, टैंक को बाहर निकाल के खोलेंगे इसको। इसमें शायद पानी है अभी भी, पानी निकल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका टैंक का जगह जो है खुले जगह में है तो कोशिश करिए आप उसको शेड लगा करके रखिए, नहीं तो 500 लीटर का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये जगह बिल्कुल भी खुला है। और हमेशा छत के ऊपर रहने की वजह से में गर्मी हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर टैंक में हमेशा पानी फुल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैंक को खुले में कम पानी में आप धूप में उसको रखेंगे तो चांसेस ऐसा फट जाए टैंक। Thank you.
ये देखिए इसका साइज देखिए आप, 1000 लीटर का। ये कोई छोटा मोटा टैंक नहीं है, 1000 लीटर मतलब बहुत बड़ा है। आपको अगर पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप 500 लीटर का दो जोड़ करके भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें कितना आयरन है, देखिए छी 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 छी। हाँ तो की बताओ हम प्रो पूरा लो आयरन हो इसी आयरन का था तो पाइप से जंगला लो काम थोक ना हो ना से इसी जाए कहीं लेबल जी हम इसी खत खा कर जी चाबी तो थान गए चाबी नहीं पानी नहीं मोटर कहीं ले बजे उसी के दिन ठाकलो我先抓不不。嗯，好。我先抓皮准备。嗯。练出了我的劲。那怎么起来的？是不是？तो देखिए दोस्तों रिप्लेसमेंट हो गया है कंप्लीट, अपना सिंटेक लग गया है, ये इनपुट का कनेक्शन है, ये फिल्टर टैंक है क्योंकि यहाँ पे आयरन ज़्यादा है, ये फिल्टर करके अंदर आते हैं, करंट नहीं है, करंट आने के बाद मोटर चला के इसको एक बार टेस्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये देखिए इसको नीचे से होल करके लाया था टंकी को, ये होल करते समय आप ध्यान से कीजिए, बड़ा ज़्यादा बड़ा मत करिए होल क्योंकि बाद में लीकेज होने का प्रॉब्लम है। तो देखिए होल में उसको लगा करके आप टाइट करेंगे तो ये चला जाएगा अंदर। नम थोड़ा दबा करके इसको टाइट कीजिए क्योंकि लास्ट में
ये वॉशर है अंदर काला करके, ये वॉशर जो है अच्छी तरह से सिंटेक का लेयर में लग जाना चाहिए। और ये दूसरा तरफ में भी लगा लेंगे, समझ में। अरे मटेक अतः मतलब कि ओवर फ्लो सिगा अमा सिगा देखो न तो चलो चल चल नहीं चलो ना शिव का चल रहा है इसलिए कहाँ लौड़ा नू मर गया जो तो बॉयस थे मुझे ने कहीं नशा दिया शिव बॉयस के लिए हम जाएं जाएं दो शिव कोई शिव ने कहाँ मुझे बॉयस हो गया